इसका क्या गलती था? इसका इतना ही गलती था कि ये सरकारी अस्पताल में आ गया। इसने प्रसव कराने के लिए 1500-2000 रुपए नहीं दिए, इसलिए आप मारेंगे और मारने के बाद भी इसका बच्चा नहीं बचा। साहब कौन जिम्मेदार है? हम, ये जनप्रतिनिधि, या सरकार, या नीतीश बाबू? कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कोई तो जवाबदेही लेगा। जिम्मेदार है आपकी वो प्राइवेट अस्पताल? प्राइवेट अस्पताल जिम्मेदार है, वहाँ क्यों किया ऑपरेशन? हायर सेंटर भेज देता। यदि अभी 3 दिन हो गया है, परसों का घटना है, कल दिन में गए हैं वहाँ पे, कल दिन में गए हैं। आप यदि उस वैसा देखा तो उसको अपना पास क्यों रखा है अभी तक? अभी उसको तो सर बताना चाहिए कि आपको सदर हॉस्पिटल जाना चाहिए। किसको बताना चाहिए? पेशेंट को बताना चाहिए कि अगला पार्टी को? अरे उसको भी बोलना चाहिए कि लिखा हुआ यहाँ क्यों है? अरे वहाँ जहाँ गए वहाँ दिखाते ना। अरे वहाँ क्यों नहीं बोले? हमने देखिए कागज भेजा है, क्या लिखा है? वहाँ माल चाहिए ना, वहाँ माल। क्या नाम है आपका? काजल देवी। हाँ, क्या हुआ था रात में? शुरू से कहानी बताइए। रात में हम 4 बजे यहाँ आए थे, और यहाँ जो 4 बजे आए उसके बाद यहाँ पेशेंट का मेरा हालत खराब था। हम बोले मैडम इसको जांच कीजिए, तो मैडम बोली क्या कि 1 घंटा के बाद आइएगा, 2 घंटा के बाद आइएगा। उसके बाद सर बोले क्या कि यहाँ नहीं होगा, दवाई इसको दवाई दीजिए। हम बोले मैम कहाँ से दवाई लाएंगे? तो बोली क्या कि दवाई मेरे पास है, हम पैसा लेंगे। तो बोले कितना पैसा लीजिएगा? हम पैसा देने के लिए तैयार है, हमारा डिलीवरी करवा दीजिए। तो वो बोला कि दवाई इतना 1500 रुपया लगेगा। तो हम बोले हम देंगे 1500 रुपया। तो दूसरी दीदी के पास गए, बोले वो दीदी के पास दवाई है, वो दीदी से दवाई हम लिए। वो दीदी बोली क्या कि दवाई ले लीजिए, और आप बताइएगा भी नहीं किसी को कि हम आपसे दवाई लिए हैं। अच्छा, पैसा दिए तब दवाई? क्या बोली? पैसा दिए तब 500 रुपया दिए हैं, तब वो दवाई दिए ना। 400 रुपया दिए तो नहीं लिया वो, बोला कि नहीं ले वो दवाई, नहीं ले वो दवाई। गरीब लोग छी, हम नहीं दिए सकबे, तो हम की करिए? नहीं लेलकै ना, तब फेन 1 छोटका निकाली देलकै, तब शरीर में हाथ डाल के दवाई घुस दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मुँह में दिल के दवाई और अंदरों में दवाई। हाँ, उकरा बात क्या हुआ? करवट लगाए खून, पूरा दर्द रहे तैयो अथी कर लगे। और बोला कि किसी लिंग नहीं बोलना चाची, किसी लिंग नहीं बोलना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर? और डिलीवरी हुआ ना? हाँ, डिलीवरी जब होने वाला था, बच्चा आगे में आ गया, तो बोला क्या बच्चा नहीं होगा यहाँ पे, आप ले जाइए, यहाँ से निकलिए, यहाँ से जाइए। हम लोग को निकाला गया, तो हम लोग कहे क्या यहाँ नहीं होगा, तो हम लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद जब बेहोश भगले दम दिया पड़ल, गुस्सा मारने लगा उसको कि आप ताकत दीजिए, इसमें ताकत क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? बच्चा इसी अस्पताल में नहीं, हुआ? नहीं, बच्चा प्राइवेट में, यहाँ बच्चा प्राइवेट में गए, तो प्राइवेट में ऑपरेशन करके बच्चा हुआ। ऑपरेशन करके जब बच्चा हुआ, तो वहाँ बोला गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो उसका ऑपरेशन किया गया। अच्छा, अभी पेशेंट का स्थिति खराब है? अभी पेशेंट का स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं हम प्रशासन से? यही चाहते हैं कि हमारा पेशेंट को उतना उतना पैसा लग रहा है, उसमें कुछ दे और कुछ करे। वो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए यहाँ? क्या हॉस्पिटल बंद होना चाहिए? अक्सरों बेशतर हर पेशेंट के साथ यही किया जा रहा है कि भाई आप उसके लिए मतलब उसको कुछ दीजिए, कुछ अगर नहीं दिया गया तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे ये कह लीजिए कि एक पराये था। आप इनके कुछ नहीं हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम MD शहबाज निजामी है। कहाँ घर हुआ? मैं बड़ी चातर का रहने वाला। अच्छा, तो अक्सर ही ये सब चीज़ अक्सर बेशतर ये देखा जाता है। अच्छा, हाँ, चिट्ठा है जी, यही का चिट्ठा। माँ भी मर गई। क्या क्या हुआ? एक बच्चे को यहाँ मतलब डिलीवरी करवाए थे लगभग महीना दिन पहले। हाँ, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ जो भी व्यवहार हुआ, हमारे पापा थे, हम नहीं थे, इन लोगों ने उनसे पैसे मांगा। फिर बाद में जब बच्चा कमजोर हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद पापा ने कहा नहीं, अगर 1000 मांग रही तो 500 देंगे, 500 मांगा तो 300 देंगे। इस तरीके से हुआ तो उनसे बहस होने लगी। उनकी बहस हुई, लास्ट में यही हुआ कि आपका बच्चा कमजोर है, जच्चा कमजोर है, आप यहाँ से ले जाइए, रेफर कर दिया गया। अब तो दिल में ऐसे भी हैबत घुस गया कि यार अब रेफर हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। अच्छा, वही हुआ लास्ट स्टॉपेज में हम सर से मिले, इन्होंने कहा ठीक है कुछ दवाइयाँ हम दे देते हैं और आप दवाई लेकर के यहाँ से पूर्णिया जाइए, बच्चा कमजोर है। पूर्णिया गए, कुछ दिन तक रहे, 2-4 दिन के बाद बच्चा भी मर गया और जच्चा भी मर गई, दोनों के साथ वो हादसा। ये सिर्फ मेरी सिस्टर थी, ये कोढ़ा का PHC अस्पताल, ये कोढ़ा का है PHC अस्पताल। हाँ, आप अपना दिखा रहे थे। अगर ऐसा होता है, हाँ, तो जो भी यहाँ के जिम्मेदार है उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये घुसपैठी को बंद किया जाए। बंद किया जाए।
लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग पेशेंट के साथ जो उतना उतना पैसा हुआ है वो पैसा आधा पड़े। शराबबंदी तो नीतीश सरकार पूरे जोर शोर से कर रही है, हर मायने में पूरा पुलिस तंत्र को शराबबंदी के पीछे लगा दिया गया है। डीलर हो, एसडीओ हो, जो भी पदाधिकारी है, जितना भी तंत्र है, सबको शराबबंदी के पीछे लगा दिया गया है। और हमारा सीमांचल को भारत का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट जिला बना दिया गया। नीति आयोग का रिपोर्ट है, गौर से सुनिएगा, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग भारत में सबसे गरीब जिले में आते हैं। अब सोच लीजिए ना कि हम जो बात कर रहे हैं, हम भी भारत का सबसे गरीब आदमी है। किसने बनाया? सरकार ने बनाया। और जानते हैं नीति आयोग किसके ऊपर निर्धारित करती है कि गरीब है? तो यही स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था इतना लचड़ है कि ये गरीब जब आते हैं प्रसव कराने तो इनसे पैसा मांगा जाता है। किस बात का ये पैसा देंगे? आपको सैलरी नहीं मिलता है, आपको वेतन नहीं मिलता है। एक एक एएनएम का सैलरी है 50,000, 60,000, 70,000 रुपया प्रति महीना। फिर किस बात के लिए इस गरीब से पैसा मांगा गया? हो सके अगर आप अच्छा से कार्य करते तो इसका बच्चा आज जिंदा रहता। जिंदा रहता कि नहीं? अगर यही पैसा वाला का बच्चा होता तो अभी तक क्या से क्या इस अस्पताल में कर दिया रहता। लेकिन इस गरीब का कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा साहब। सीएस साहब को भी सुनना ही होगा। और मैं पर्सनली सीएस साहब के पास जाऊंगा और इस पर सवाल पूछूंगा कि सर आप किस बात का सैलरी लेते हैं? यही सैलरी लेते हैं कि गरीब बस आए और इनको 1,500, 2,000, 5,000 रुपया मांगा जाए और यह देने में असमर्थ है तो इनको भगा दिया जाए, इनको मारा जाए। मारा भी गया था ना? किसने परमिशन दिया आपको गरीबों को मारने के लिए? और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात पर एक्शन लेना होगा। आप किस बात के जनप्रतिनिधि हैं? अगर इस समय इस बात पर अगर आप नहीं आते हैं तो आप किसी काम के जनप्रतिनिधि नहीं है साहब। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, किस बात का ये गरीब मार खाएगा? इसका क्या गलती था? इसका इतना ही गलती था कि ये सरकारी अस्पताल में आ गया। इसने प्रसव कराने के लिए 1,500, 2,000 रुपए नहीं दिए, इसलिए आप मारेंगे। और मारने के बाद भी इसका बच्चा नहीं बचा साहब, कौन जिम्मेदार है? हम, ये जनप्रतिनिधि, या सरकार, या नीतीश बाबू? कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कोई तो जवाबदेही लेगा। लेना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि ये गरीबों का मसला है। कौन सुनने वाला है इसका? लिखा है कि दिक्कत था पेशेंट को, यहाँ से रेफर किया गया सदर कटिहार, यहाँ प्राइवेट भी क्यों लेंगे? नहीं बोला नहीं किया था। अरे यहाँ लिखा हुआ डॉक्टर साहब लिखा है, हमने लिखा हुआ है, लेकिन हमको बोला नहीं किया था कि आप सदर भी चाहिए। क्यों नहीं लेंगे? हमारा एम्बुलेंस फ्री जाएगा ना, कैसे रेफर? डॉक्टर साहब बोल रहे, आपको नहीं समझाया आप अस्पताल में? एक सौ दिए। किस बात का दिए? वही ये सब देख रहे हैं ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट हल्का से ट्रीटमेंट कराने का 100 रुपया लिया गया आप लोगों से? बोलिए ना आपको। हाँ हाँ बोल तो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? वहाँ पूछो पांडे, हमारा नाम है। वो बता रहे थे कि बाहर से दवाई मंगा के और लगाए हैं। हम थोड़ा टेंशन से थे, बाहर से कोई दवाई नहीं आया है। बाहर से कोई दवाई नहीं आया है, ये देख लीजिए। बाहर से दवाई आया है तो कहिए, बिल दिखाएगा हम। ये देख लीजिए, एक्सीडेंट किए हुए पेशेंट है, इनसे भी 100 रुपया लिया गया। ये देखिए, समझना ही पड़ेगा। और हम और आप नहीं समझेंगे। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि वहां तक बात पहुंचे जहां तक एसी में बैठे हुए लोग नहीं सुन पाते हैं। अब तो सुनना ही पड़ेगा साहब।